नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत करेंगे सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल का अंतिम संस्कार आज। राहुल गांधी और केजरीवाल की प्रधानमंत्री से माफी की मांग। अन्ना हजारे ने कहा ओआरओपी पर नीति साफ करे सरकार। इस्लामाबाद से 8 राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला। सुरक्षा कारणों से उठाया गया कदम। संघर्ष विराम उल्लंघन पर पाक उप उच्चायुक्त तलब। आतंकवाद शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मिलकर मुकाबला करने पर जोर। का संविधान निर्माण के लिए भारत से अनुभव ले सकता है नेपाल। उत्तर प्रदेश में आज निकलेगा अखिलेश यादव का चुनावी रथ। मुलायम और शिवपाल रह सकते हैं मौजूद। आधुनिक तकनीक से लैस है समाजवादी विकास रथ। लगातार चौथे दिन दिल्ली में सांस लेना दूभर। आनंद विहार पंजाबी बाग में 1400 के पार PM10 सड़क और हवाई यातायात पर प्रदूषण की मार। ओआरओपी के मुद्दे पर आत्महत्या करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल का आज हरियाणा के भिवानी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मौके पर मौजूद रहेंगे। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने आज भिवानी में पूर्व सैनिक के परिजनों से मुलाकात की। इससे पहले दिल्ली में इस घटना के बाद बुधवार को गिरफ्तारी और रिहाई का सिलसिला देर रात तक चला। दिल्ली में बुधवार को पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी के बाद देर रात तक राजनीति गहमा गहमी बनी रही। ग्रेवाल के परिजनों से मिलने लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रात 11:30 बजे रिहा किया गया। उनके साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर ओआरओपी मामले में झूठ बोलने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी सेना का नाम ले लेके पूरे देश के अंदर जा जाके वोट मांग रहे हैं और दूसरी तरफ सेना के जवानों के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। उनकी रैंक कम कर दी, उनकी डिसेबिलिटी पेंशन कम कर दी। हम मांग करते हैं कि मोदी जी सैनिकों से माफी मांगे। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं। अगर दिल्ली में एक सैनिक सुसाइड करता है, क्या मेरी नैतिक जिम्मेदारी, मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं जाके उसके परिवार से मिलूं, उन्हें सांत्वना भी दूं? यहाँ का एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते, यहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के नाते, मैं अगर अपना फर्ज निभाने हॉस्पिटल उसके परिवार के लोगों से मिल रहा हूं और आप मुझे वहां से डिटेन कर लोगे, तो ये तो अघोषित इमरजेंसी है दिल्ली में। बुधवार को ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भी दिल्ली पुलिस ने 2 बार हिरासत में लिया, जिसके विरोध में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। राहुल गांधी पूर्व सैनिक के परिजनों से मिलने आरएमएल अस्पताल गए थे। रिहा होने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार को पूर्व फौजी के परिजनों से माफी मांगनी चाहिए। लोगों को अरेस्ट करना, बंद करना, अस्पताल को बंद करना, ये तरीका नहीं है। ये हिंदुस्तान को चलाने का तरीका नहीं है। और जिस प्रकार से इन्होंने हमारे एक जवान से बर्ताव किया है, बिल्कुल गलत। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई नेता खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें मुलाकात से पहले हिरासत में ले लिया। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। इन प्रदर्शनों में दोनों पार्टियों के कई बड़े नेता शामिल थे। इस बीच दिल्ली पुलिस ने दिन भर की उठापटक की पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी ने ओआरओपी पर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम जहां सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अन्ना हजारे ने केंद्र से स्थिति साफ करने के लिए कहा है। वहीं दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में 28 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे और पूर्व सैनिक की आत्महत्या के बाद बुधवार को सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले में केंद्र की आलोचना की। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया कि एक तरफ हमारे जवान आत्महत्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी और मनीष सिसोदिया को मृतक के परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा।
ये ट्वीट दोनों नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद किए गए। दूसरी तरफ सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने भी इस मामले में केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। दिस गवर्नमेंट हैड प्रॉमिस्ड जू व्हेन दे वर इलेक्टेड ए वन रैंक वन पेंशन व्हिच दे हैव नॉट इंप्लीमेंटेड टिल डेट। नाउ दिस थ्रोस अप अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द कमिटमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट टू द वेलफेयर ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने पूछा कि केंद्र सरकार एक अधूरी ओआरओपी योजना को क्यों लाई। अन्ना हजारे ने पूर्व सैनिकों से इस सवाल पर सरकार से स्थिति साफ करने की अपील की। इसके अलावा पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को हटाने की मांग भी की। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। वो तय करेंगे ना किस प्रकार से उनको क्या काम करना है सीमा पर। जैसे ऐसा थोड़ी ना कि हर चीज पे राजनीति हो, और ओआरओपी पे यदि उनकी कोई दिल से कोई चिंता होती तो 42 साल जो कांग्रेस के सामने ये विषय ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, इस पर कोई गंभीरता से कार्य नहीं हुआ तो वो कार्य करके देते। बुधवार को 70 साल के पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल ने आत्महत्या कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से 8 राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। सुरक्षा कारणों से राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया में भारत के उच्चायोग में कार्यरत 7 से 8 अधिकारियों के बारे में खबरें चलाई गई। बाद में इन सभी अफसरों के नाम भी वहां टीवी चैनलों पर दिखाए गए। इसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं, जिसके बाद उन्हें स्वदेश बुलाने का फैसला लिया गया है। इससे पहले पाकिस्तान ने दिल्ली स्थित उच्चायोग के 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया। भारत ने पाकिस्तानी कर्मचारी महमूद अख्तर के हवाले से उन सभी के नाम जाहिर किए थे। उन पर भारत के खिलाफ जासूसी करने का शक था। उधर जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी जारी है। बुधवार को पाकिस्तान ने राजौरी में फिर गोलीबारी की, हालांकि बाकी जगहों पर फायरिंग में कमी आई है। बीएसएफ ने कहा कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल जानबूझकर भारी हथियारों से रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। इस बीच भारत पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को बुलाकर संघर्ष विराम उल्लंघन पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बीएसएफ ने मंगलवार को जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को हुए भारी नुकसान का वीडियो जारी किया। इसमें एक पाकिस्तानी चौकी तबाह होते हुए दिख रही है। बीएसएफ ने कहा कि उसके जवान फौज के बंकरों को निशाना बनाते हैं, जबकि पाकिस्तान इसके उलट नागरिक इलाकों पर गोले दागता है। पाकिस्तान ने जो हैवी मोटार शेलिंग किया है, कोऑर्डिनेटेड फायर किया है, वो केवल सिविल एरियाज में किया है, क्योंकि कहीं भी बीओपी के नजदीक में इनकी जो उनके शेल्स हैं वो लैंड नहीं किए हैं, वो जाकर के सिविल एरियाज में पर्पसली टारगेट करते हुए किए गए हैं। पाकिस्तान ने मंगलवार को भारी फायरिंग की थी। इसमें 2 बच्चों और 4 महिलाओं समेत 8 लोगों की जान चली गई थी। जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने पाकिस्तान की 14 चौकियां तबाह कर दी। सैकड़ों लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। भीषण गोलीबारी के बाद जम्मू कश्मीर के सीमाई इलाकों के 400 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अभिभावकों को अब बच्चों की पढ़ाई की चिंता सता रही है। स्कूल भी इनके बंद है, बार बार फायरिंग होती है और स्कूल बंद किए जाते हैं, और हमारे बच्चों की पढ़ाई बहुत वेस्ट हो रही है। इसलिए सरकार को हमारे लिए कुछ सोचना चाहिए कि फेयर जरा बंद होना चाहिए, हमारे बच्चे भला स्कूल हमारे बच्चों ने लगने चाहिए ना। फिक्र हो रहा बच्चों, बहुत फिक्र हो रहा है कि बड़ी पढ़ाई बर्बाद हो रही है, बच्चों का फ्यूचर एक किस्म का बर्बाद ही हो। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया। बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग मौजूद थे। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एनडीटीवी को इंटरव्यू में कहा कि भारत की नीति बदल चुकी है और पाकिस्तान को अपने किए की कीमत चुकानी होगी। आई थिंक द टाइम्स हैव नाउ चेंज्ड एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ मोर प्रोएक्टिव अप्रोच, एंड द मोर प्रोएक्टिव अप्रोच इज दैट इफ यू इंडल्ज इन टेररिज्म इन इंडिया और इफ यू kill people across the border, then there is a cost involved and you'll have to pay a price for it. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एनडीए की विफल विदेश नीति से सीमाई इलाकों के नागरिक परेशान हैं। एनडीए आए तब से भी जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे लोग रहते हैं, जम्मू कश्मीर में या लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हैं, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। अब इसके लिए जिम्मेदार तो एनडीए ही है, पाकिस्तान तो जिम्मेदार है, लेकिन उसका मतलब है कि इनकी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो असफल हो गई है। वियना कन्वेंशन में भी नागरिक इलाकों को निशाना बनाने पर पाबंदी है। ये संधि 1964 से लागू है
और पाकिस्तान ने 1970 में इस पर दस्तखत किए थे। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि सीमाई इलाकों में गोलीबारी पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संज्ञान लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आतंकवाद को शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा बताया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के साथ मुलाकात करके कई अहम मसलों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। नेपाल संविधान निर्माण में भारत के अनुभव को देख सकता है, लेकिन इससे कुछ सीखने का फैसला नेपाल पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजधानी काठमांडू में अपने संबोधन में ये बातें कहीं। प्रणब मुखर्जी ने विद्या देवी भंडारी और नेपाल के नागरिकों को संविधान लागू करने पर बधाई दी। राष्ट्रपति ने नेपाल के विकास में हर मुमकिन सहयोग का भरोसा दिलाया। इंडिया एंड नेपाल शेयर एज ओल्ड फ्रेंड्स हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल लिंक। आवर पीपल हैव ऑलवेज मेंटेन्ड क्लोज टाइज। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आतंकवाद को वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा बताया। उन्होंने इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया। टेररिज्म टुडे पोजेस द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू आवर पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी विल नीड टू वर्क टुगेदर। विल नीड टू फॉस्टर टॉलरेंस and understanding in all sections and eradicate this art of terrorism. इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के काठमांडू पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। 1998 के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली नेपाल यात्रा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम जा रहे हैं आज मसूरी, जहां रस्किन बॉन्ड रहते हैं। फॉर मी राइटिंग इज लाइक ब्रीदिंग और स्लीपिंग और ईटिंग। शादी तो शायद अभी भी टाइम है थोड़ा, लेकिन उनकी नजर उनका शहर में, मिलिए इस बार रस्किन बॉन्ड से सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आज से चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रही है। विवादों के बीच अखिलेश यादव की आज होने वाली रथ यात्रा पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। रथ यात्रा को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह खुद इस रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रथ यात्रा के पहले दिन लखनऊ से उन्नाव के लिए ये निकलेगी और पहले चरण की करीब 115 किलोमीटर की इस यात्रा में वो 12 स्थानों पर लोगों को संबोधित करेंगे। इसमें वो अगले साल राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले जनता की नब्ज टटोलेंगे। दूसरे चरण की यात्रा 7 नवंबर से शुरू होगी। अखिलेश की रथ यात्रा को लेकर काफी तैयारियां की गई हैं। सड़कों पर जगह जगह अखिलेश की रथ यात्रा के पोस्टर लगे हुए हैं। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। और इस समय हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करेंगे। पंचानन, किस तरह की तैयारियां, कहा जा रहा है काफी भव्य तैयारियां हैं इस रथ यात्रा को लेकर, और पूरी कोशिश होगी कि ये रथ यात्रा अखिलेश यादव की ना लगे बल्कि समाजवादी पार्टी की लगे। जी हाँ प्रीति, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 2012 के जो चुनाव था, विधानसभा चुनाव, उसमें अखिलेश यादव ने क्रांति रथ यात्रा निकाली थी जो बहुत सक्सेसफुल रही, और उसके बाद यहाँ 403 में से 224 सीटें समाजवादी पार्टी लेकर आई और अपने दम पर सरकार बनाई। उसी को दोहराने की कोशिश यहाँ पर अखिलेश यादव की नजर आ रही है। ये पहला चरण है इनका यात्रा का, लखनऊ से उन्नाव तक, और लगभग 55 से 60 किलोमीटर के आसपास ये डिस्टेंस होगी, जहां पर कई जनसभाएं वगैरह होंगी। और पूरे समझ लीजिए लखनऊ में पूरे प्रदेश से लोगों को इकट्ठा किया गया है। हजारों गाड़ियों का को यहां पर लाया गया है, कार्यकर्ता बुलाए गए हैं इस यात्रा को सक्सेसफुल दिखाने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि
ये दिखाया जाए कि एक परिवार की यात्रा है, क्योंकि हाल के दिनों में जो परिवार में आपसी कलह हुई उसके बाद कोशिश यही है कि मुलायम सिंह यादव जो है इसको हरी झंडी दिखाए और शिवपाल यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो पार्टी के अध्यक्ष है, वो वहां पर मौजूद रहे। तो कोशिश यही है कि पार्टी में कलह को की बात को जो है यहाँ पर नकारा जाए अखिलेश यादव की तरफ से और इस यात्रा को सक्सेसफुल बनाया जाए। लखनऊ पूरा आप समझ लीजिए कि बैनर और पोस्टरों से पटा हुआ है, इंच भी जगह कहीं आपको दिख नहीं सकती। सड़कों के किनारे ये आलम है, काफी इस मामले में पैसा खर्च भी किया गया है। तो पार्टी की कोशिश है, समाजवादी पार्टी की, कि अखिलेश को जो है पंचरण वोट हासिल किया जाए। अभी तक क्या पता लग पा रहा है आपको? हरी झंडी मुलायम सिंह यादव जरूर दिखाएंगे, लेकिन शिवपाल यादव की मौजूदगी को लेकर कुछ पुख्ता बात सामने आई है क्या? जी नहीं, बिल्कुल पुख्ता अभी कुछ भी नहीं है। कल शिवपाल यादव से जब ये पूछा गया था कि क्या वो मौजूद रहेंगे, तो उन्होंने कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया था, ना हां में और ना ही उसको ना में कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मौजूद, उनको रहने को जरूर कहा जाएगा और शायद वो मौजूद रहेंगे भी। लेकिन हाँ, मुलायम सिंह यादव के बारे में है कि वो हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। आज से अखिलेश यादव रथ यात्रा की शुरुआत, चुनावी बुगुल प्रचार को लेकर फूंक रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या रथ यात्रा अखिलेश यादव से अलग एक पूरी समाजवादी पार्टी और पूरे यादव परिवार की नजर आती है या नहीं, इस पर जरूर नजरें रहेंगी। आइए आगे बढ़ते, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में कई अहम मसलों पर फैसला लिया जा सकता है। दो दिवसीय बैठक में जीएसटी की दरें, सेस लगाने और करदाताओं पर प्रशासनिक नियंत्रण जैसे विवादास्पद मसलों पर फैसला हो सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में केंद्र सरकार दरों के 4 स्लैब पर जोर दे सकती है। सरकार की कोशिश है कि जीएसटी 1 अप्रैल 2017 से लागू हो जाएगा और इससे पहले सभी मसले सुलझा लिए जाएंगे। लाभ के पद से संबंधित एक अन्य मामले में चुनाव आयोग ने अब आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों को नोटिस जारी किया है। ये मामला संसदीय सचिव मामले से अलग है, जिसमें आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सुनवाई चुनाव आयोग में पहले से चल रही है। ताजा मामले की शिकायत जून में की गई थी, जिसे पिछले महीने राष्ट्रपति भवन ने चुनाव आयोग के पास भेजा था। अब आयोग ने इस मामले में 27 विधायकों से 11 नवंबर तक जवाब मांगा है। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि ये विधायक दिल्ली के अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति में अध्यक्ष के पद पर होने के नाते लाभ के पद पर हैं। 27 में से 7 विधायक ऐसे हैं जिन पर संसदीय सचिव का पद रखने के मामले में आयोग पहले से विचार कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की पत्नी दासांगुल पुल ने हायुलियांग विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। दासांगुल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। राज्य में बीजेपी की सहयोगी और सत्तारूढ़ पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने भी दासांगुल को समर्थन दिया है। दासांगुल नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस की तरफ से कुपालुंकरी उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। हायुलियांग विधानसभा सीट पर 19 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसके नतीजे 22 नवंबर को आ जाएंगे। 9 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। भोपाल में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्यों के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच शुरू कर दी है। सीआईडी एसपी अनुराग शर्मा के नेतृत्व में टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। मारे गए आरोपियों के कपड़ों को भी जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया। उधर एनआईए भी सिमी के सदस्यों के जेल से फरार होने के मामले की जाँच कर रही है। एनआईए की टीमें राज्य में उन सभी जेलों में जाकर जाँच कर रही हैं जहाँ आरोपियों को रखा गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार सुबह भोपाल सेंट्रल जेल पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना पर अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जानबूझकर अदालतों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश होती है तो अवमानना के अधिकारों का इस्तेमाल जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 में सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इसमें अदालत की अवमानना नहीं करने की बाध्यता भी है। शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखते हुए ये बात कही। हाईकोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी के लिए सीपीएम के 2 नेताओं को 2 महीने की सजा सुनाई थी।
दिल्ली में धुंध की वजह से परेशानियां बढ़ गई हैं। सड़कों पर दृश्यता कम हो गई है तो वहीं रेलगाड़ियों पर भी असर पड़ा है। कई रेलगाड़ियां घंटों देरी से चल रही हैं। राजधानी में चार दिन से जारी धुंध से लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। दिवाली के चार दिन बाद भी राजधानी दिल्ली धुंध की चादर से लिपटी हुई है। प्रदूषण में बढ़ोतरी और हवा की धीमी रफ्तार की वजह से आसमान में प्रदूषक तत्वों की भरमार है। इस वजह से दिल्ली के लोगों को गंभीर गुणवत्ता वाली हवा में सांस लेनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा खतरा सुबह के वक्त सैर पर निकलने वालों के लिए बना हुआ है। प्रदूषण के ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालें तो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के मुताबिक आज सुबह आनंद विहार इलाके में प्रदूषण के कण पार्टिकुलेट मैटर 10 की तादाद 1442 दर्ज की गई और PM2.5 की मात्रा 593 थी। ये दोनों ही सुरक्षित मानकों से कई गुना ज़्यादा हैं। इसी तरह पंजाबी बाग इलाके की बात करें तो यहाँ PM10 की मात्रा 1491 और PM2.5 की मात्रा 894 दर्ज की गई। प्रदूषण की वजह से बरकरार धुंध का असर सड़क और हवाई यातायात पर भी पड़ने लगा है। सड़कों पर दृश्यता कम हो गई है, जबकि कई जगहों पर धुंध ने हवाई जहाजों की यात्रा को भी प्रभावित किया है। बुधवार को घने कोहरे की वजह से अमृतसर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। इस वजह से कई उड़ानें प्रभावित हुईं। दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी के बाद से दिल्ली NCR में धुंध बनी हुई है। हवा में बेनजीन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर भी बढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उल्टी गिनती जारी है। हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। रैलियों में दोनों उम्मीदवार एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने ट्रंप पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो शख्स इतनी खामियों से भरा हुआ हो वो देश की बागडोर कैसे संभाल सकता है। अमेरिका में व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे का मुकाबला है। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ओहायो की एक रैली में ट्रंप पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं है। इसके अलावा वो स्वभाव से भी अस्थिर हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के लिए खतरा करार दिया। These are not equal candidates. There's only one who's actually worthy of your vote, who is smart, who is steady, who is tested, whose heart is in the right place, who is probably the most qualified person ever to run for this office, and that is Hillary Clinton. राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि ट्रंप न केवल अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों की अनदेखी करेंगे बल्कि वो कमांडर इन चीफ बनने के भी काबिल नहीं हैं। We will elect Hillary Clinton president. We'll elect Ted Strickland senator and we will continue this amazing journey and we will finish what we started and show the rest of the world why this is the greatest country on earth. God bless you, Ohio. I love you. ओहायो में एक रैली में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार फिर हिलेरी क्लिंटन को वोट देने की अपील की। ओबामा हिलेरी क्लिंटन के ईमेल की नए सिरे से जांच के मामले में FBI की आलोचना पहले ही कर चुके हैं। अमेरिका में 8 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है। हालांकि फ्लोरिडा समेत कुछ राज्यों में वोटरों की सहूलियत के लिए पहले ही वोटिंग करा ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। पांच विकेट की इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एकमात्र नए चेहरे हैं। गौतम गंभीर को टीम में बरकरार रखा गया है। वहीं तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की वापसी हुई। चोट की वजह से सलामी बल्लेबाज KL राहुल, शिखर धवन और रोहित शर्मा को पहले दो टेस्ट से बाहर रखा गया है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज 9 नवंबर से शुरू हो रही है। इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट के लिए 15 सदस्य टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को पहली बार टेस्ट टीम में मौका दिया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट में वापसी करने वाले गौतम गंभीर को टीम में बरकरार रखा गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में स्टैंड बाय के रूप में शामिल किए गए ऑफ स्पिनर जयंत यादव को भी टीम में रखा गया है। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की भी टेस्ट टीम में वापसी हुई है। एबल टू मूव द बॉल मच बेटर, हिज बैट्समैनशिप हैज इंक्रीज एंड ओवरऑल हिज ओवरऑल पर्सनालिटी यू नो एज इज जस्ट mellowed down a bit and he's really doing well. If you really see both A series and also this one day series, did extremely well. And he's one all rounder whom we think that he's equally a competent bowler and a batsman along with a good fielder too. सलामी बल्लेबाज KL राहुल, शिखर धवन और रोहित शर्मा को चोट की वजह से टीम में शामिल नहीं किया गया। वहीं तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी
फिटनेस की वजह से शामिल नहीं किए गए। धवन हैज जस्ट स्टार्टेड हिज रिहैब इन एनसीए एंड केएल राहुल फॉर द फर्स्ट टेस्ट फर्स्ट कपल ऑफ टेस्ट ही इज नॉट अवेलेबल एज पर आवर फिजियो रिपोर्ट। भारत और इंग्लैंड 9 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच 5 टेस्ट मैच खेलेंगे। पहला मैच राजकोट में खेला जाएगा। भारत करीब 30 साल बाद घर में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने जा रहा है। इससे पहले 1987 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 टेस्ट मैच खेले थे। टीम में शामिल खिलाड़ियों पर नजर डालें तो कप्तान विराट कोहली के अलावा मुरली विजय, गौतम गंभीर, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा और करुण नायर बल्लेबाज की भूमिका में होंगे, जबकि हार्दिक पांड्या नया चेहरा होंगे। वहीं रिद्धिमान साहा विकेटकीपर की भूमिका में होंगे। आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अमित मिश्रा और जयंत यादव स्पिनर के तौर पर टीम में शामिल किए गए हैं, जबकि तेज गेंदबाज के तौर पर उमेश यादव, ईशान शर्मा और मोहम्मद शमी को जगह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खास शख्सियत की। हिंदी सिनेमा के स्तंभ माने जाने वाले पृथ्वीराज कपूर की आज जयंती है। 3 नवंबर 1906 को पंजाब में जन्मे पृथ्वीराज कपूर ने अपने सफर की शुरुआत थिएटर से की और पृथ्वी थिएटर की नींव रखी। अपने नाटकों के जरिए उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। हिंदी फिल्मों में उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं अदा की। मुगले आजम, तीन बहुएं, कल, आज और कल जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को कोई भूल नहीं सकता। वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे और कई मुद्दों में अपने विचार रखे। उन्हें पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। कितना लंबा हो गया तू, देख राम, ये तो दादा से भी लंबा हो गया है। देख लंबू, कद तो दादा से लिया है लेकिन अकल अपने बाप से लेना, लंबे आदमियों की अकल एड़ी में रहती है। सबसे बड़ा सबसे खरा निकला, सीधा आया सीधा अंदर चला गया। उसके बाद मझला आया, चिकनी चुपड़ी बातें तो बहुत की लेकिन बिना कुछ दिए लिए वो भी सीधा चला गया। अब तू सबसे छोटा आया है, तू क्या करेगा राम जाने। मुल्ज़िम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, तुमने हमारी रियायत और रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया और अनारकली को अदालत के रूबरू हाजिर करने से इनकार किया, लिहाजा मां बदौलत मुजरिम अनारकली की सजा बरकरार रखते हुए अनारकली के बदले तुम्हें सजाए मौत देनी। और अब आखिर में हेडलाइंस। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रीवाल का अंतिम संस्कार आज। राहुल गांधी और केजरीवाल की प्रधानमंत्री से माफी की मांग। अन्ना हजारे ने कहा ओआरओपी पर नीति साफ करे सरकार। इस्लामाबाद से 8 राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला। सुरक्षा कारणों से उठाया गया कदम। संघर्ष विराम उल्लंघन पर पाक उप उच्चायुक्त तलब। आतंकवाद शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मिलकर मुकाबला करने पर जोर। का संविधान निर्माण के लिए भारत से अनुभव ले सकता है नेपाल। उत्तर प्रदेश में आज निकलेगा अखिलेश यादव का चुनावी रथ। मुलायम और शिवपाल रह सकते हैं मौजूद। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लगातार चौथे दिन दिल्ली में सांस लेना दूभर। आनंद विहार पंजाबी बाग में 1400 के पार PM10। सड़क और रेल यातायात पर प्रदूषण की मार। और फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।